सीधा चलो, मजाक नहीं करे, मजाक वाली बात। जल्दी बैठे सर, बैठे सर, ग्लूकोज वाला पानी कहा तेरे को जब बोला कि जल्दी चल यहाँ से। फिर यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं, देख सकते हो आप। जुंगला पास वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट मोटरेबल रोड। ओके, सो व्हाट आर यू गाइस हियर वेटिंग फॉर? वी आर वेटिंग फॉर अ कार एट द मॉल। ये सुखाने कोलकाता और रसगुल्ला खिलाएगा, रबड़ी खिलाएगा। कोलकाता जाओ, रसगुल्ला खाओ, रबड़ी खाओ और बोलो अमित मां के पसंद करो जी। मैग्नेटिक हिल अपने आप गाड़ी ऊपर आ रही है। अब अपने देखो तो कैसे दुर्राटी काट रही है। ओम भोम, ओम भोम। ए यार बस फिर बंदा भी जरूर आउंदा गा। ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਲੈਗਾ, ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਲੈਗਾ। ਚਲੋ ਚਲੋ, ਕੇਬਲ ਬ੍ਰਿਜ ਸੇ ਹੋਤੀ ਹੋਈ ਗਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰੀ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਕਲੋਲ ਜਨਤਾ, ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਬਕਲੋਲ ਟੀਵੀ ਵਲੌਗ। पता नहीं कितने लंबे टाइम के बाद आज हम सुबह 7 बजे उठे, पता है वो भी क्यों? क्योंकि खुले में सोते ना जब, तो नेचुरल लाइट ऑन हो जाती है, मतलब बल्ब ऑन हो जाता है। तो फिर उठने के बाद क्या करें, पैकिंग कर रहे हैं। चलो भाई, क्या लगा दे? अच्छा, कैसा रहा एक्सपीरियंस रात को? बहुत ही बढ़िया। पक्का आज भी रुके? आज मैं सोच रहा हूँ कुछ अलग सा। क्या क्या अलग सा? क्या यहाँ पे एक जगह है वैसे डोम शेप में, मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे। भाई मेरे को सहा नहीं आ रहा था रात को। रात को 3 बजे उठ गए करो क्या? कभी बाइक को चूहा दिखता है, कभी क्या। हमें डराता भाई उल्टा यार, मैं बाइक को पता नहीं क्या हो गया। फिलहाल ये करते हैं सारा पैक, ठीक है। सलवी क्या हुआ? देखो जो भी चलना है, जहाँ भी चलना है बाथरूम ढूंढ लेना पहले, फिर उसके बाद जो मर्जी करना होगा कर लेना, ठीक है। क्योंकि नेचर को नेचर के पास लेके जा, क्योंकि देखो हालत ऐसी है, टम्बम किसी भी को गिर सकता है। जल्दी चलो, ये लद्दाख का एयरपोर्ट, यहाँ से हम नहीं आए, आते तो शायद सस्ता पड़ जाता, पर रोड का मजा अलग है। सो हम यहाँ निकल पड़े हैं, लेकिन रास्ते में फिलहाल रुके पंजाबी ढाबे पे। ढाबा अच्छा दिख रहा है, एंड आई होप कि यहाँ पे वॉशरूम भी होगा। वॉशरूम है, बहुत बढ़िया। तो गाइस यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और सौरभ थोड़ा व्लॉग एडिट कर रहा है, थोड़ा वीडियो एडिट कर रहा है। अरे मैं तो देखो जी, ये भी कहा ना ऑफिशियल काम कर रहा है और मैं यहाँ पे खजल हो रहा हूँ यार। उड़ता ही फिरूं मैं कहीं, या मैं डूब जाऊं इन फिजाओं। हाय हाय, आगे नहीं आता मैं, बस इतना। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख बिल्कुल खुले में, ओपन ग्राउंड में, मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस है, बड़ा कैंपस है। तो अभी हम पहुंचे हैं मैग्नेटिक हिल में, जहाँ पे बोलते हैं कि गाड़ी अपने आप चलती है भाई मैग्नेटिक हिल में। तो हम भी देखे जरा कहाँ पे चलती है, बोल रहे हैं कि यहाँ पे लगानी पड़ती है गाड़ी, यहाँ पे लगा रहे हैं हम। तो देखते ये, लेकिन ये डरान लग रही है मेरे को यार, ये तो जाए। बस रुको, न्यूट्रल डालो, हैंड ब्रेक लगा दी। हाँ वो चापड़ी मार के बैठ जाओ, चापड़ी मार के बैठ जाओ। बंद कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इंजन ऑफ है। हम्म, अब हैंड ब्रेक छोड़ते हैं। पूरी गाड़ी अपने आप चल रही है, दिस इज मैग्नेटिक हिल। गाड़ी जो है अपने आप मूव हो रही है। मेरा इंजन ऑन नहीं है, देख साले अपने आप। वो तो ठीक है, स्टीयरिंग तो पकड़ो, अबे स्टीयरिंग तो पकड़ो। मैं आगे से दिखाता हूँ आपको। आइला जादू, जादू मैग्नेटिक हिल पे। ये फिनोमेना दैट डिफाइज ग्रेविटी, जो ग्रेविटी को धोखा दे वो मैग्नेटिक हिल। ये तो ढलान है ना, चलेगी। अबे रुको रुको रुको,
यार एक बात मुझे समझ नहीं आई, ठीक है मैग्नेटिक हिल है लेकिन ये तो मतलब ढलान है, यहाँ से तो गाड़ी आएगी आएगी अपने आप। मैं मैग्नेटिक हिल को समझ नहीं पाया, मैग्नेटिक हिल अपने आप गाड़ी ऊपर आ रही है अपने अच्छा 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 मुझे लगा अपने आप आ रही है। ये बॉक्स के पास हम पहुंच चुके हैं वापस, अब मैं इसको इधर फिर गाड़ी बंद करूंगा, सारा कुछ बंद करूंगा, बट ये नहीं चढ़ेगी। अगर होगा तो दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से भी। अब इसमें साइंस अगर कुछ हो तो उसके लिए माफ करना। साइंस क्या, साइंस के कमजोर स्टूडेंट है मैं, तो अच्छा था मेरा। अब देखो मैंने छोड़ दिया, अभी पीछे ही जाएगी, रिवर्स को जा रही है क्योंकि पीछे ढलान है। पीछे तो ढलान है, साफ ढलान दिख रही है यार, है ना। ये कहते साइंटिफिक प्रूव्ड है, पता किता का, पर मैनू नहीं लग रही। ओ देखो गड्डी रुकी, ओदनु ढाल है, ओदनु ढाल जानी है, ऊपर नु नहीं चढ़दी, ऊपर नु कदों जाने, ओ चढ़ाई है उधर उधर ऊपर कैसे चढ़ दी। मी भी कोई मैग्नेटिक स्पॉट के अंदर है, ये इधर डाउन है ना, डाउन नहीं है वो, तो अब बाइक जा रहा है ना वहां जाके देखिए आप, रोड का पोर्शन, रोड का नहीं, ऊपर से ढलान है, ये स्ट्रेट है थोड़ा सा, स्ट्रेट यहां स्ट्रेट है बाइक, हां पर वो तो जाएगी नीचे ही आएगी ना, वो तो पाजी ए यार बस फिर बंदा भी जरूर आउंदागा ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲੈਗਾ ਚਲੋ 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 ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਯਾਰ ਆਪ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਤੋ ਸਮਝਾਣਾ ਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਗਲੂਕੋਨ ਡੀ ਔਰ ਯੇ ਹਮ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਾਂਸ਼ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੀ ਹਮ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨੂਬਰਾ ਵੈਲੀ ਨੂਬਰਾ ਵੈਲੀ ਵੋ ਵੀ ਕਹਾਂ ਸੇ ਹੋਤੇ ਹੋਏ ਖਰਦੁੰਗਲਾ ਰੋਡ ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕੀ ਹਾਈਐਸਟ ਮੋਟਰੇਬਲ ਰੋਡ ਹੈ ਤੋ ਵਹਾਂ ਪੇ ऑक्सीजन लेवल कम होता है क्योंकि वो 18,000 के करीब है, बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए सबने सजेस्ट किया कि वहाँ पे जाने से, मतलब जाओगे भी तो सिर्फ 10 मिनट रुकना वहाँ पे, और ग्लूकोन डी का पानी जो है वो पीते रहना, वरना दिक्कत आ सकती है। और कल के व्लॉग में तो आपने दिक्कत देख ली होगी इन दोनों की, है ना, कितनी ज्यादा आई थी, आज इसकी दिक्कत हो रही है, देखो कैसे सांस फूल रही है। तो इससे अच्छा है पहले ग्लूकोन डी पी के जाते हैं। खरदुंगला रोड से होते हुए जा रहे हम, पानी की बोतलें लेनी थी यार, तो यहाँ पे एक दुकान मिली हमें, यहाँ से ले लेते हैं। वैसलीन है, क्या बात है वैसलीन है, बड़ा छोटा बड़ा दे दो आप। लद्दाखी में दीदी को क्या बोलते हैं, अच्छे 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 ले ले रिस्पेक्ट से, अच्छे ले अच्छे से नॉर्मल ले रिस्पेक्ट से ठीक है। डाल दीजिए भैया पेट्रोल, फिर फुल कर दो यार, 88-84 जैसे 88 रुपए का पेट्रोल जी, सही में, और क्या, मैं नहीं मानता सच, ये डीजल है, मैं नहीं मानता डीजल, पेट्रोल नहीं है, तो ऐसे बोलो ना डीजल है, चलो पेट्रोल फुल कर दो। हे गाइस वेयर आर यू फ्रॉम, इजराइल, ओके सो यू स्पीक हिब्रू देयर राइट, ओके सो व्हाट आर यू गाइस वेटिंग फॉर, वी आर वेटिंग फॉर अ कार एट द मॉर्निंग दैट बेर सुखानी। खरदुंगला जाते वक्त बीच में ये स्पॉट आता है एक, जहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा, मतलब वल्ला बीबी माशाल्लाह वाला, बहुत ही तगड़ा, क्या बात है। भास्कर हलकड़ कितनी फोटो खिंचवाओगे, मैं नहीं खींच रहा बस बहुत होगी फोटो, मैं नहीं खींच रहा बहुत होगी, अच्छा लास्ट बिल्कुल, इसके बाद कुछ नहीं, चलो डिमांड आई है यार कि आपने फोटो नहीं खींच डाली दो तीन, डिमांड देखो लौंडे की दोस्तों की भैया, और कितना ऊपर जाएंगे भैया, वो देख रहे हैं ना इधर, देखो ऊपर वो टॉप हिल में जाना हमने, उसको बोलते हैं। अबे अब तो बर्फ भी दिखने लग पड़ी, अब तो बर्फ भी दिखने लग पड़ी, कब आएगा खरदुंगला। अरे तुम देखो देखो आगे तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें सांसें रुकते हुए भी दिखेगी अपनी, अब तो ग्लेशियर के लेवल पे आ गए बे, बर्फ चाहिए आपको, जुलाई के महीने में बर्फ सर। खरदुंगला टॉप 18,000 फीट की हाइट पे है, तो सही में 18,000 पे ही आ रहे हैं, बहुत ऊपर है बे, ये देखो पीछे, बाप रे बाप, अभी तो सो पहुंच गए जी हम खरदुंगला पास, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। अबे इतना रश फोटो खिंचवा लेंगे, लाइनें लगी हैं यहां पे, क्या बात है, यस ब्रो यहाँ पे फोटो खिंचवाने के लिए भी लाइनें लगी हुई हैं, देख सकते हो आप इसके साथ। भाई संजीव
आ जा बैठ तू, चाबी चाबी दो चाबी। जुंगला पास वर्ल्ड मोस्ट हाईएस्ट पोर्टेबल रोड। वाइल्ड लाइन देख रहे लाइन देख रहे बस इधर फोटो खिंचवाने के लिए बस ये अपना तिरंगा जय हिंद। और ये सामने बर्फ सल्ला भाई का फोटो लेना वो है कहाँ पे क्या मेन चीज दिखाई क्या एल्टीट्यूड दिखा क्या एल्टीट्यूड हाँ जो लिखा हुआ था 17,982 feet. कोलकाता से क्या बात है रसगुल्ला खोज से खाने के लिए आ जाओ आपका गला खराब हो गया मेरे ख्याल से चिल्ला चिल्लाया बहुत वीडियो अरे क्या बात है कोलकाता आओ रसगुल्ला खिलाएगा रबड़ी खिलाएगा कोलकाता जाओ रसगुल्ला खाओ रबड़ी खाओ और बोलो अमित माँ के अमित माँ के भलोबाशी पसंद करो जी चलो सारी फैमिली आपकी नो सारी फैमिली उधर अच्छा ये आधी फैमिली मतलब ठीक है कुछ तो है ना चलो बढ़िया चलो फोटो थैंक यू ए क्या यार बेइज्जती करा रहे हो क्या बर्फ देख के एक्साइटेड हो रहे हो चलो मेरे को चक्कर आ रहा है वहां से क्या हो रहा है मेरे को चक्कर आ रहा है सांस फूट रही है सांस नहीं पूरी चक्कर आ रहा है मेरे को सांस ठीक है वो ऐसे मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे को सही में आ रहे हैं मेरे को सही में चक्कर आ रहा है चलो दिमाग में झगड़ा सा हो रहा है चक्कर आ रहा है मेरे को चक्कर अभी भी चक्कर आ रहा है मैं मजाक नहीं कर रहा मेरे को सिर को बोलना था जब जल्दी रुको तुम्हें फोटो खिंचाने का बड़ा कीड़ा था आपने ब्लफ खेले नहीं ना ब्लफ खेले नहीं तू पहले से लुट कर रहा था सही में चक्कर आ रहा है कुछ नहीं होता दवाई खा सीधा चलो मजाक नहीं कर रहा मजाक वाली बात लंबे सांस ले जल्दी चल जल्दी बैठे बैठे ग्लूकोज वाला पानी कहाँ तेरे को जब बोला कि जल्दी चल यहाँ से इसकी सीट लटा सीट लटा नहीं इतना नहीं जल्दी कर जल्दी ठंड नहीं लगी चक्कर आ रहे हैं ठंड लग रही है सांस ठीक है ना सांस ठीक है चक्कर आ रहे हैं चल टैबलेट खा ले पकड़ जल्दी 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 बैठ चलो ना मैं रुका मेरे को ऐसे चक्कर आने लगे मैं आपको ढूंढ रहा मैं अगर ये नहीं ना मिले मुझे मैं गाड़ी के ऊपर खड़ा जाऊंगा लेट जाऊंगा पता नहीं मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ दोनों पता नहीं किधर गए हुए मैं उधर उस लेडी से तो बात कर रहा हूँ उसके बाद पता नहीं उसी के साथ चले गए वो कोलकाता की थी वो उसने पता नहीं क्या किया मैं अभी तुम्हारे बालोबाशी बोला कहती बालोबाशी नहीं उसके बाद चक्कर आना शुरू हुआ मेरे को बेटा उसकी नजर लगी तेरे को क्यों ढूंढना पड़ा रहा है अब रास्ता देखो आगे अब इधर से कौन सा पास इसको बर्फ मत दिखाना ये फिर फोटो खींचने रुक जाएगा बर्फ मत दिखाना चला पाएगा फिर फोटो डाउन जाएंगे वैसे भैया ट्रैक नहीं जाना है रोड से जाना है हाँ रोड से जाओ ये डाउन जाएंगे तो चलते चलते हमें एक बूटा दिखा वो भी फूलों का लद्दाख के बीच बीच इम्पॉसिबल हम नहीं मानते क्या बात है यार ऐसे तो कैसे पूरा आगे पीछे डेजर्ट ये पक्का किसी मजनू ने लगाया होगा यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है यार ये यहाँ पे भैया अरे क्या बात है थैंक यू भैया यहाँ पेड़ होगा फूल वाला हाँ आपको एक्सपेक्टेड था इसीलिए हम भी खड़े हैं क्या बात है भैया हम लेके क्या करेंगे लेकिन देंगे किसको किसको ढूंढने के लद्दाख में हम अरे अब ढूंढना पड़ेगा अभी स्मेल करो गुलाब है हाँ बात तो सही यार गुलाब है यार बहुत मस्त है चलिए चलो शुक्रिया भैया बाय जल्दी पहुंच गए नुब्रा वैली लग रहा था लेट हो जाएंगे तो भी नुब्रा वैली के पास ही हम एक रेस्टोरेंट में रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए और बैटरीज वगैरह चार्ज करने के लिए यहाँ पे वैसे ये सफारी राइड वगैरह भी है पर हम लेंगे नहीं अपने को लगी भूख क्योंकि सुबह खाया सिर्फ एक पराठा तो सबसे पहले आए हैं मोमोज मोमोज खाएंगे विद टमाटो सॉस बीच में क्या बात है भैया चटनी भी है कुछ डिफरेंट सी लग रही है मर्च वाली सडन चेंज ऑफ प्लान्स हमने कहा था खाना खाएंगे राइड नहीं लेंगे लेकिन मूड बन रहा है राइड लेने का तो चलो ले लेते हैं
एक डबल। अच्छा कितने टाइम के लिए मिलती है? कितने टाइम के लिए? टाइम सर आप 15-20 मिनट। ठीक है, अब जो दो जन जा रहे हैं उन दोनों का फर्स्ट नेम सिग्नेचर दोनों। वो तो ठीक है, ऊपर लिखा गया है साइन के करा रहे हो, मतलब प्रॉपर्टी नाम करा दो अपनी। चल लिख पढ़ने दो करियो, समझ नहीं आ रहा कुछ, अपनी ऐसे बोल दो ना। ये आपका जिम्मेदारी, जैसे आप जा रहे हैं आपको कुछ हो रहा है, मतलब गिर गया मर गया तो आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमने सिर्फ 1200 रुपया लेना है। ठीक है, बढ़िया। देखो तो कैसे दुर्राटी काट रही है। ओम भोम ओम भोम। ये आपका नाम हमने सुना बंटी है, बबली जी कहाँ है? बबली घर पे है। मजा आया, लेकिन आपने 15 मिनट बोला था, हमने 5 मिनट में कंप्लीट किया, 10 मिनट और चाहिए हमें। ठीक है, अरे वो तो आपका गलती है ना, आप जमा ले लो, जमा ले लो। चलो थैंक यू भाई। तू नासा का है? क्या बात है यार, साइंटिस्ट नहीं। क्या नाम है? वेदांत। कहाँ से? मुंबई। आमची मुंबई, क्या बात है। चलो राइड करो, एंजॉय करो। सुनुबरा वाली से निकल चुके हम और आज का हमारा फाइनल स्टॉप होगा तुरतुक। क्या बोलते हैं? तुरतुक। तुरतुक जो है वो लास्ट विलेज है हिंदुस्तान का, उसके आगे ठीक मतलब पाकिस्तान है, और गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी मतलब मिक्स वो है, मतलब वहाँ पे होते हैं ना, मतलब आपको दिखाएंगे वहाँ पे जाके। हिंदुस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान के लोग मतलब कहते हैं कि वहाँ पे है, क्योंकि कल्चर ऑब्वियसली बीच में बॉर्डर है तो कल्चर जो है मिलता जुलता होगा ना। तो वही आज का मेरा आखिरी स्टॉप, आज वहाँ पे हम स्टे करेंगे और फिर वहाँ से कल देखेंगे कहाँ जाएंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं तुरतुक। तो भी हम पहुंचे लहरी गैप ब्रिज, यहाँ पे एक पहाड़ खत्म हो रहा है और ये पुल के जरिए दूसरे पहाड़ पे जा रहे हैं और अलग में जा रहा है, तो डेंजर भी है वहाँ। आराम से केबल ब्रिज से होती हुई गाड़ी जा रही हमारी, क्या बात है। तुरतुक पहुंच चुके हम और अब हमारा काम है आज रात का ठिकाना ढूंढना। पहले वो ढूंढते हैं, जब मिलता है फिर बताता हूँ मैं आपको। सो रात का ठिकाना हमने ढूंढ लिया फाइनली, यहाँ पे कैंपिंग है, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत ही बढ़िया है। ये डाइनिंग एरिया है और हमारा टेंट वहाँ पे लगा हुआ है, तो मतलब पौधों के बीच है, पानी के पास में। तो अच्छी वाइब है। सो ये है हमारा टेंट। सो 3000 में बोल रहा था तीन बंदों के लिए, हमने 2500 में डन किया है फाइनल, ये बोल के कि हम जम्मू से हैं और मान भी गया, कहते कोई बात नहीं आप अपने दे देना, ऐसी कोई बात नहीं है, चार टेंट खाली उस बेचारे के तभी मान गया था वो। और एक और बात, यहाँ पे फ्री वाईफाई है क्योंकि फ़ोन में नेटवर्क तो है नहीं, तो वो भी एक रीज़न है यहाँ पर रुकने का। चलो फिर थोड़ा सा रिलैक्स जाते पहले।